हमको जराना महल कहते हैं। और होता ये था कि ये महल क्या बनवाया था, रानियों के समर के अंदर, समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए रानियों के लिए ये चीज बनवाया गया था, ताकि उनको वो चीजें गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। तो अगर आप देखें तो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड और काफी कवर्ड है, जालियां और वो सब लगी हुई है, ताकि क्योंकि ये लोग ज्यादातर पर्दे में रहते थे, तो ये अंदर की तरफ है। तो इसको बाद में इन लोगों ने म्यूजियम में कन्वर्ट किया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पेंटिंग गैलरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि सेकंड सेक्शन है इस म्यूजियम। सिंहासन के ऊपर और साथ में उनके एक मंत्री भी। ये युद्ध के बारे में है कि मुगलों के साथ किस तरह से यहाँ के राजाओं ने युद्ध किया था, तो किस तरह से वीरता से उन लोगों को मारा था, उसके बारे में। अगर सेकंड सेक्शन में आए तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से रानियों के साथ या रानियां जितने भी थी किस तरह से घूमर कर रहे हैं। इसे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ का राजस्थान का वो जोधपुर का स्पेशली त्यौहार है गणगौर देते हैं, ईसर गणगौर। तो किस तरह से वो ईसर गणगौर को पार्वती जी को घर पे लेकर आया जा रहा है और उसकी पूजा होती है। म्यूजियम खत्म हो गया, थोड़ा हमने जल्दी से कवर अप किया क्योंकि म्यूजियम का 5 o'clock बंद होने का टाइमिंग है और मंडोर इनफैक्ट बहुत बड़ा एरिया है। सो फ्रेंड्स, ये म्यूजियम के बाहर यहाँ पे काफी एक प्राचीन मंदिर है जो गणेश जी का है और काले और गोरे भैरू जी का भी है, और जस्ट उसके पास में एक बावड़ी भी है, लेकिन बावड़ी की फोटोग्राफ्स मैं ले चुकी हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। इनफैक्ट ये पानी का सोर्स रहा होगा बावड़ी। मंदिर के आगे आ गए, इसको एक खंभा महल कहते हैं और इसका दूसरा नाम भवन प्रहरी मीनार भी है। अगर आप गौर से देखें तो ये 3 मंजिला है, अगर आप गौर से देखें 1 और 2, और इस पर हमारे डाक विभाग ने एक स्टैंप भी निकाला है इस एक खंभा महल पर। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देवल सेक्शन में पहुंच गए। मंडोर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, और ये महाराजा अजीत सिंह की देवल है जो सबसे बड़ी देवल भी मानी जाती है। और मंडोर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि मंडोर मारवाड़ की राजधानी था पहले, ठीक है, और उसके बाद में इस राजधानी को मेवाड़ के एक राजा ने भी इन्वेड करने की कोशिश की थी, ठीक है, उसके बाद राव जोधा ने इसको छुड़ाया। तो ये सबसे बड़ी जो देवल है ये महाराजा अजीत सिंह की देवल है, उसके बाद में सारी देवल और भी कई महाराजाओं की है जो कि थोड़ी सी इनसे छोटी है। फ्रेंड्स, उसके बाद में हम लोग दूसरे देवल की अगर बात करें तो जो आप इस तरफ देख सकते हैं जो महाराजा अजीत सिंह जी के पास में है वो है महाराजा अधिराज जसवंत सिंह जी की देवल है, ठीक है, ये इनसे कंपैरेटिवली अजीत सिंह से थोड़ी सी छोटी है। उसके बाद जस्ट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो महाराजा गजय सिंह जी की है,
और अगर हम इनकी बात करें कि कौन से शताब्दी में बनी, तो सब 16वीं शताब्दी की बनी हुई देवल्स हैं। और अगर आप मेरे राइट हैंड साइड की बात करें, जो कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी है, वो महाराजा धीरावत सूर सिंह जी की देवल्स है। ठीक है, अब आपको जरा पीछे की तरफ भी दिखाएंगे तो यहाँ पे हर महाराजा की एक न एक देवल बनी हुई है। जस्ट पीछे की तरफ शो कीजिए, तो ये पीछे की तरफ यहाँ पे हर महाराजा की एक न एक देवल है यहाँ पे, जो कि इतनी बड़ी नहीं है। तो मंडोर सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, मंडोर एक गार्डन भी है और लोगों के यहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी है। मंडोर के अंदर एक और चीज़ है कि यहाँ बंदर बहुत बहुत ज़्यादा बंदर है। मैंने आपको बताया कि मंडोर सिर्फ पिकनिक स्पॉट ही नहीं है, यहाँ बंदर भी है और इनसे बहुत कॉन्शियस भी रहना पड़ता है, क्योंकि कभी चीज़ झपट्टा मार के चले जाए तो आप देखिए। वैसे दो ये बहुत कंफर्टेबली बैठे सब लोगों के साथ में, इतने एग्रेसिव मोड में रहते नहीं है ये। फ्रेंड्स, हम मंडोर का फर्स्ट पार्ट का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मंडोर का एक ही पार्ट में और एक बार में हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अभी इसका काफ़ी सारा हिस्सा बचा हुआ है जो हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, और मैं अब ये ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग, सब्सक्राइब माई चैनल।